नमस्ते, कैसे हैं आप सब लोग। लेकर के आई हूँ एक और सक्सेस स्टोरी। सक्सेस स्टोरी है देविका की, शेयर की है मेरे साथ इंस्टाग्राम पर। इस स्टोरी के अंदर एक टॉक्सिक रिलेशनशिप में फंसा हुआ इंसान है, कैसे यह स्टोरी एक सक्सेस स्टोरी में बदलती है, चलिए देखते हैं कि देविका ने क्या लिख करके भेजा है। ये लिखती है, मैं एक टॉक्सिक रिलेशनशिप में थी कुछ समय पहले। हमारी बहुत ज़्यादा लड़ाई होती थी, ब्रेकअप भी हो जाता था। पहले वो मनाता था, अगर उसकी गलती होती थी तो वो मुझसे सॉरी भी बोल देता था। पर कुछ समय के बाद उसने सब कुछ करना बंद कर दिया। उसकी गलती होने पर भी वो ना तो मुझसे सॉरी बोलता था, ना ही वो मुझे मनाने आता था। और मैं एफर्मेशंस के साथ स्क्रिप्टिंग करने लगी थी, पर मुझे हमेशा से उसके साथ इन्फीरियर फील होता था। फिर एक बार हमारी बहुत ज़्यादा लड़ाई हो गई और उसने मुझसे कह दिया कि मैं अब कुछ भी इन्वेस्ट नहीं करने वाला हूँ तुम पर, ना मुझ में फीलिंग्स बची हैं और ना ही टाइम है तुम पर इन्वेस्ट करने का। फिर मुझे हिट हुआ कि भाई, आई हैव माई ओन वर्थ, आई डिजर्व बेटर, एंड देन आई लेट हिम गो। बस उस दिन बहुत रोई मैं, बहुत ज़्यादा रोना आया मुझे। पर फिर मुझे लगा कि उस पर क्या रोना, और मैंने सेल्फ लव पर जोरों शोरों से काम शुरू कर दिया। अलग अलग चीज़ें करनी शुरू कर दी। आपने कहा था ना कि न्यू डीपी लगानी चाहिए, पिक्चर्स अच्छे अच्छे पोस्ट करने चाहिए, बस मैंने वही सब कुछ करना शुरू कर दिया। लोगों ने मेरी भर करके तारीफें करनी शुरू कर दी। मैंने आर्टिकल्स लिखे सेल्फ लव के ऊपर और सबको वो पसंद भी आए। अरे वाह, आपके आर्टिकल्स हमारे साथ भी शेयर करिए, मैं कम्युनिटी में डाल दूंगी, सब पढ़ेंगे आपके आर्टिकल्स। सेल्फ लव के ऊपर तो मैं हमेशा ही बात करती रहती हूँ देविका। इसी बीच मुझे एक लड़के ने अप्रोच किया। पहले तो मैंने उससे कहा कि मुझे अब इन सब चीज़ों में कोई इंटरेस्ट नहीं है। तो उसने कहा कि कोई बात नहीं, फ्रेंड्स बन सकते हैं। तो हम दोनों अब अच्छे फ्रेंड बन गए। मेरा स्क्रिप्टिंग एंड सेल्फ लव शुरू ही था, और कुछ दिनों के बाद मुझको उससे बात करते करते ये रियलाइज हुआ, ओ माय गॉड, मैंने जो कुछ भी लिखा था, जैसा जैसा मुझे चाहिए था, वो सब इस इंसान में है। पर खैर, मुझे अभी कोई जल्दी नहीं है, पर मैं यूनिवर्स से मुझे यही कहती रहती हूँ, जो हो रहा है होने दो, लेट गो, उससे ज़्यादा अच्छा मिलेगा। पर मैं ओल्ड वन पर इतना फोकस कर रही थी कि मैं अपना मैनिफेस्टेशन खुद ही ब्लॉक कर रही थी। बट मैंने आपकी एक दो सक्सेस स्टोरी सुनी थी, तब लगा हाँ, यूनिवर्स मुझे कुछ बेस्ट देना चाहता है और मैं ही भाग रही हूँ। खैर, नाउ आई हैव रियलाइज्ड एंड आई एम वेरी हैप्पी। थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, आई लव यू सो सो मच। ओ आई लव यू टू देविका। वाओ, देखिए, जब हम टॉक्सिक रिलेशनशिप में होते हैं और वहीं पे फंसे होते हैं, हमें लगता है यही चाहिए, यही चाहिए, यही चाहिए, वो कितना भी दुख दे रहा है, कितना भी रुला रहा है, उसको कोई मतलब नहीं है, आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट से किसी भी चीज़ से कोई मतलब नहीं है, लेकिन आप पीछे पड़े हुए हो क्योंकि आपको लग रहा है प्यार है, प्यार है, प्यार है। जहाँ पर सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है ना, वो कोई वो प्यार नहीं होता है। इन्होंने मेरी और भी, मैंने आप लोगों के साथ में ना बहुत सारी लव स्टोरीज में सक्सेस स्टोरीज आती हैं, उसमें दो स्टोरीज तो ऐसी हैं जो मुझे याद हैं, जिसके अंदर लास्ट में वो पार्टनर्स के पास में आए, उन्होंने मैनिफेस्ट कर लिया है अपने स्पेसिफिक पर्सन को, बट उन्हें वो चाहिए ही नहीं था। उसके बाद में बहुत सारे लोगों को ऐसा भी लगा कि क्यों नहीं चाहिए था, कम ऑन। जब सेल्फ वर्थ का पता चल जाता है ना, सेल्फ लव पर आ जाते हो ना, सेल्फ रिस्पेक्ट बढ़ जाती है ना, तो आपको उसी लेवल के इंसान मिलना शुरू हो जाते हैं जो आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट की इज्जत करेंगे, आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट की। वो इंसान खुद भी सेल्फ रिस्पेक्ट से भरा होगा, आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट की भी इज्जत करता होगा। टॉक्सिक से निकलते हैं ना, सोचिए आप, खराब 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 सड़ी गली चीज़ों में से बाहर आते हैं, प्योर प्योर ब्रांडेड चीज़ों की तरफ जाते हैं। इसकी फीलिंग और इसकी फीलिंग, जमीन और आसमान का अंतर नहीं है, वही होता है रिलेशनशिप में। अभी ज्यादातर क्या हो रहा है, अगर टॉक्सिक है रिलेशनशिप, चाहे कुछ भी हो रहा है, प्यार समझ करके, त्याग समझ करके उसको किया जा रहा है, बस कंटिन्यू मैनिफेस्ट करना है, कैसे भी चाहिए, चाहे वो रुलाए, चाहे वो मारे, चाहे वो इज्जत ना करे, चाहे कुछ भी करे। बट इस लड़की की सबसे अच्छी जो चीज लगी मुझे, वो ये लगी, इन्होंने अपने बारे में सोचा, अपने आप से प्यार करने के बारे में सोचा। सेल्फ लव के ऊपर मेरे क्यों होते हैं इतने सारे वीडियोस, इसीलिए होते हैं। आप सबसे बेस्ट हैं और आप डिजर्व करते हैं सबसे बेस्ट, और ये देविका ने इस लाइन को पकड़ लिया। तो प्लीज, टॉक्सिक रिलेशनशिप में फंसे हुए लोगों, पकड़ो इस लाइन को, आप डिजर्व करते हो सबसे बेस्ट। तो जब आप डिजर्व करते हो सबसे बेस्ट, तो यहाँ क्यों फंसे हुए हो यार, निकलो,
दुनिया बहुत बड़ी है और लाइफ ये प्यार मोहब्बत टॉक्सिक रिलेशनशिप इसी में नहीं है, इसके अलावा भी है। वहां पर भी ओपन कर दो, जो कि देविका ने किया, अपने ऊपर काम करना शुरू किया। वो टीपी हटाओ, ये हटाओ, वो ब्लॉक करो, वहां पर कुछ भी डाल दो, रोने धोने वाले स्टेटस डाल दो, यही होता है ज़्यादातर टॉक्सिक रिलेशनशिप्स में भी यही होता है। जरा सा ब्लॉक अनब्लॉक होता है तो भी यही होता है। तो मत करो यार ऐसी गलतियाँ, एंजॉय योर लाइफ। सोशल नेटवर्क्स हैं, सारी चीज़ें हैं आपको अच्छा महसूस करवाने के लिए हैं, दुखी यारी काइंड ऑफ थिंग्स नहीं करना है। एंजॉय योर लाइफ, लाइफ इज ब्यूटिफुल, एक बार मिली है जी लो बढ़िया से, फिर आगे का पता नहीं है ना। अच्छे कर्म करो, अच्छा सोचो, दूसरों के बारे में भी अच्छा सोचो, अपने बारे में भी अच्छा सोचो। लव योर सेल्फ, आप अपने आप से प्यार करते हैं तो आप अट्रैक्ट करते हैं बेस्ट चीज़ें।